तो मैडम कहाँ का पैकिंग हो रहा है? पैकिंग हो रहा है, देखते हैं तो सारा का है, तैयारी है सबको, मेरे तरफ से, मेरे पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की आज पूजा करना है, उसके बावजूद भी ये सब सामान थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था, तो इसको सब सेट कर रहे हैं। जाना होगा तो सब एक जगह रहेगा, कपड़ा वगैरह तो निकाल के चले जाएंगे। और मनीषा भी मीशो हॉल का प्रचार की थी, तो मेरा साड़ी ले जा ले जाकर सब जो है तह रख दी है, तो उसको भी सब सेटिंग करना है। यही सब हो रहा है, अब देखते हैं कितना जल्दी यहाँ से हो जाएगा। रंजना नहा ले, कब तक नहा के निकलती है, तो आज साथ में ही सब लोग बैठेंगे पूजा के लिए। और इनका भी तो आज स्कूल है ना, तो अब 8 बजे पहले हम लोग को कर लेना चाहिए पूजा। यही सब है। और यहाँ मन कभी कभी एकदम पूरा अथी हो जा रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है, तो उसके बावजूद करना पड़ रहा है, नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसीलिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो हैप्पी नवरात्रि, आज आज फर्स्ट दिन है माता जी का, तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। जिसके यहाँ कलश रखाता है वो कलश रखेंगे, जिसके यहाँ कलश नहीं रखाएगा वो सिंपल पूजा करेंगे। तो हमको भी आज करना है सिंपल ही पूजा, हम लोग 9 दिन पूजा सिंपल करेंगे। तो अभी लेट है थोड़ा, तो तब तक सोचे हैं कि यहाँ सब ठीक ठाक कर दें, रूम सही करना था, ये कल टाइम नहीं मिल पाया, उधर किए तो मन थक गया था, आज सोचे हैं कि इधर का कर दें। तो वही ये खरीद के आया था तो रख रहे हैं, इसमें सब हटा दें, ज़्यादा भर गया है। और आप लोग भी आज पूजा पाठ में सब लोग लीन रहेंगे, सब लोग करेंगे, अच्छा लगेगा, तो कोशिश करेंगे हम लोग भी अच्छे से करें। और यहाँ पर देखिए सब पैकिंग सैकिंग हो रहा है, जाना भी है कहीं, तो कहीं क्या कोलकाता जाना है, तो जो एक्स्ट्रा सामान है वो थोड़ा सा इसको देखते हैं, अभी चूहा का डर भी है तो रख रहे हैं। कट गया क्या? तो अभी चलते हैं लेके आप लोग को। मेरा भी कपड़ा यहाँ पर सब सजा के रख दिए मैडम, सब सजा रहे हैं, सजा खा रहे हैं अच्छा से सगड़ी पूरा एकदम। कभी कभी जो है ना मन एकदम थक जाता है, मन नहीं करता है कुछ करने का, लेकिन नहीं करने के बावजूद भी करना पड़ता है। आज सोचा था कि नहा धोवा के पूजा करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है, ऐसे सब कुछ करना पड़ेगा। फिर उधर भी मंदिर का भी कल का कुछ अर्थी की वजह से नहीं सजाया गया, और रात में सारा कपड़ा धूल के डलाया है तो सूखा भी नहीं है। अब देखते हैं इस समय क्या कुहासा भी पड़ा है, आज ओस भी कोहरा भी छाया है। चलिए तो गाइस देख सकते हैं अभी सुबह सुबह अच्छा सा सफाई कर दिए, ये सब दिखा दीजिए। माता जी का दिन है तो सोचे कि कल उधर पूजा का सब कर रहे थे तो नहीं टाइम मिला, आज इस रूम का थोड़ा सा कर दिया अच्छे से। इधर ला के दिखा दीजिए शीशा से, यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सब अरेंज कर दिए। और यहाँ पर नेल पॉलिश, हम अपना क्रीम, जितना क्रीम खाली हुआ है ना यहीं पे है, तो ये यहाँ पर रख दिए तेल वगैरह, और ये एकदम बिल्कुल खाली हो गया, यहाँ शीशा है। तो अब नहाने के मूड में ही है, चलते हैं लोग देखते हैं, नहाने बेड उड सही कर दिया, और इधर से झाड़ू लगा के थोड़ा निकाल दें, ये कचरा हो गया है, सब भर गया था घर में, तो सोचे कि थोड़ा अच्छे से साफ सफाई कर दें। अभी खान हमको लग रहा है कि 7 से ऊपर हो रहा है, तो रंजना अभी उठी है, तो इस तरह पूजा पाठ में बहुत तरह का दिक्कत होती है, इसीलिए हम जानते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो किरण के पहले उठ जाना चाहिए, कम से कम माता जी घर आ रही हैं तो उनके लिए नहा धोवा के रेडी हो जाना चाहिए। तो आज हम ये सब कर ले रहे हैं, कल से हम एकदम 6 बजे पूजा कर लेंगे, इसलिए कि हमको आदत है कि किरण के पहले ही माता का पूजा हम कर लेते हैं, बाद में अपना जो करना रहता है करते रहते हैं।
तो नहा धोवा लेंगे कल से सुबह। आज सुबह ही उठे हैं हम 5 बजे से, लेकिन ये सब काम करने में 2 घंटा हमको लग गया है। पूरा ये साड़ी जो है ना, मनीषा क्या की थी कि प्रचार की थी, ये थी का मीशू का ले जा साड़ी मेरा, तो जहाँ तहाँ ला कर रख दी थी। अब इसको जो है सफाई कर रहे हैं। यहाँ चूड़ी वगैरह पूजा का है, छोटा साइज का है तो निकाले हैं। वो आंटी जी आती हैं लोग खाना बनाने, उनको दे देंगे काम करने। ये साड़ी है सोच रहे हैं कि पहनेंगे, ये मनीषा का साड़ी है, हमको दी है, तो आज सोच रहे हैं कि इसी को पहने नहा धोवा के। तो चलते हैं जल्दी से ना फटाक से, पहले सब झाड़ू लगा ले इधर का। काम करने वाली भी कोई नहीं आई है, और उन लोग के यहाँ भी पूजा पाठ होता होगा, चाहे देखते हैं कब आता है लो, लेकिन पूजा घर साफ करके पूजा करेंगे। और ये रूम बाहर के निकाल देते हैं। कमर में दर्द था रात भर हमको, एक तरफ सोए हैं इसलिए अब उतना हो भी नहीं पा रहा है हमसे। अभी इसको मत लगाइए, उठा लेंगे तब लगाइए। चूड़ी ना, चूड़ी अब उठाएंगे। यहाँ ला दिए बस। सो गाइस, तो रूम क्लीन कर लिए और सब झाड़ू लगा दिए। अब आंटी जाएंगी तो पोछा लगा देंगी, चूँकि मेरे कमर से झुका नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सचिन के पापा का यहाँ सब रख दिए। ये अटैची जो नया वाला खरीद के आया था वो रख दिया है, यहाँ भी है। ये सब हम अपना कपड़ा रख दिया है अच्छे से, और ऐसा कुछ रूम का नज़ारा है मेरा। यहाँ से रूम का नज़ारा देखिए कैसा दिख रहा है, और यहाँ मेरा ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग का है वो हम सजा के रख दिया, इसको भी साफ़ कर दिया। लेकिन कपड़ा से अभी इसको गीला करके थोड़ा सा साफ़ करना चाहिए। ये फ्लावर एक यहाँ रख दिया है, एक्स्ट्रा था उधर, तो यही है। और थोड़ा सा भी रूम ना हमको अच्छा नहीं लगता है, तो मन नहीं करता है इसमें आने के लिए भी। पूरा मन एकदम ही हो गया था, सोचे थे कि सब अच्छा कर लेंगे। उसके बाद इसका भी जल्दी से ही अलमीरा का पल्ला लगवाएंगे जितना जल्द हो सके, इसलिए कि सारा ये गंदा हो जा रहा है कपड़ा। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। आया था कपड़ा दिए थे सिलने के लिए, लेकिन सिला नहीं पाया। इसी रीजन से कल नहीं सहारने जा रहे थे, लेकिन फिर छोड़ दिए कि जब नहीं है तो बाद में सहारेंगे। तो यहाँ पे चल रहे हैं आज जल्दी से, पहले सहारे। हमको लग रहा है कि 10 से ऊपर हो जाएगा आज पूजा पाठ में, चूँकि नहाए भी नहीं है, रूम सहार रहे थे अपना। तो यहाँ सहार थे पहले, उसके बाद से सब देखिए कपड़ा लता जो भी है ये सब साफ सफाई करना है, तो कल के अच्छा से रखा जाएगा। इतना ज़्यादा ही हो जाता है ना करना, हेडिक हो जाता है। अब मन अंदर से नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है सब करना। बस छोड़ दो।